गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या है, जैसे हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है सेम उसी तरह से ऑर्डिनल नंबर्स भी होते हैं। नॉर्मल काउंटिंग में हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर में हम पढ़ते हैं जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे आप किस क्लास में हैं, आप फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में हैं, क्लास थर्ड में हैं, तो इसी को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। या सपोज़ आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप किस पोजीशन पे आप आए हैं, फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, या क्लास में आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपकी जो रैंक आती है वो क्या रैंक आई है, 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह से रैंक हम काउंट करते हैं ना, तो वो सब होता है ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, तो जो पोजीशंस होती है तो हम ऑर्डिनल नंबर को एक तरह से पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इस तरह से। तो ऑर्डिनल नंबर को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, 1 लिख के ST दैट मीन्स फर्स्ट, और 2 लिख के NT सेकंड, मतलब जहाँ जो इनका नंबर नेम लिखा होता है फुल स्पेलिंग फर्स्ट की, उसमें जो लास्ट के 2 लेटर्स होते हैं वो यहाँ काउंटिंग के बाद लगा दी जाती है। ओके, तो देखिए फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ की स्पेलिंग क्या है, आप फोर लिखिए, पीछे 4 के बाद TH लगा दीजिए तो वो हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ आपको लर्न करना है, FIFTH फिफ्थ। 9, 6, 7, 8 ये आपको स्पेलिंग लिखने के बाद पीछे TH लगा देना है। इसी तरह से 10 में भी, 9th में भी NINE हटा के क्या लग जाएगा, TH। ओके, तो आप देखिए यहाँ हमें कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं, फोर की स्पेलिंग इस तरह से लिखते हैं FORTH, ये रॉन्ग है, FOURTH फोर्थ। 9 में E नहीं रहेगा, NINTH। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ अपनी क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ राइट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे सभी की पोजीशन बतानी है कि कौन किस पोजीशन पे है। यहाँ एनिमल्स दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन में कुछ एनिमल्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा एनिमल किस पोजीशन पे है। तो फर्स्ट जीरोफ किस पोजीशन पे है, यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 लिख के ST, फिर सेकंड पोजीशन पे है, फिर एलिफेंट किस पोजीशन पे है, थर्ड, 3 लिख के पीछे RD इस तरह से, यहाँ पे क्रोकोडाइल हमारा फोर्थ पोजीशन पे है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें नंबर लिख के पीछे क्या लगा देना है, लास्ट वर्ड, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मंकी हमारा है 7th पोजीशन पे, फिर अगेन जीरोफ आ गया है, जीरोफ हो गया हमारा 8th पोजीशन पे, एलिफेंट 9th पोजीशन पे, एंड दिस वन इज पोजीशन ऑफ 10th। ओके, ये था आपका एनिमल्स का। अब है इसी तरह से यहाँ पे चिल्ड्रंस का, चिल्ड्रंस में भी सबकी पोजीशन हमें बतानी है। यहाँ पे स्टार्टिंग थी फर्स्ट से लेके 10th तक, अब यहाँ पे बैक काउंटिंग है रिवर्स। ओके, तो 10 के पहले क्या आता है, 9th, देन 8th, नाउ 7th, 6th, 5th दिया है, फिर ये हो गया 4th, अब ये 3rd, थर्ड में देखिए पीछे RD आएगा, क्योंकि थर्ड की स्पेलिंग में देखिए पीछे क्या है, RD है, थर्ड, सेकेंड में पीछे ND आता है, ये देखिए ND, और फर्स्ट में पीछे ST आता है। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। नाउ क्वेश्चन बी, राइट द पोजिशन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे जो यहाँ लेटर्स दिए गए इनकी पोजिशन बतानी है। तो ई इन हरविंदर, हरविंदर की स्पेलिंग में ई की क्या पोजीशन है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हरविंदर की पोजीशन क्या है, इसमें हरविंदर की स्पेलिंग में ई की पोजीशन 8th पे, तो 8th लिख के पीछे TH। उसी तरह से H, अनुष्का में H की पोजीशन काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी पोजीशन क्या है, 5th। उसी तरह से रिधिमा की देखिए, रिधिमा में M की पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो इसकी पोजीशन सिक्स। नाउ एल, यहाँ पे वैशाली में एल की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे होगी सेवन्थ पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, ये आपको बुक में फिल करना है। ओके क्लास, थैंक यू।